सामने गाइस, दिस इज़ अमा फ्रॉम गेंजूस। और आज की वीडियो में यार ये एक वैसे फ़ोटो एडिटिंग वीडियो है, ठीक है, बैठा हुआ था मैं, चलो एडिट करते हैं। तो ये अडोब लाइटरूम ऐप है। वैसे ये एक्सपर्ट या जो बहुत देर से फ़ोटो एडिटिंग करते रहे हो उन्हें इस ऐप के ऊपर आना चाहिए। पहले शुरू में ना ये हल्की सी तंग करती है, तो वो फ़ोटो डायरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में स्नैपसीड की तरफ जा सकते हैं, फिर इसके ऊपर है। स्नैपसीड ईजी है यूज़ करने में ना, ये हल्की ट्रिकी मतलब कि मुश्किल लगती है ना। खैर, या शायद तब मेरे पास मोबाइल ज़्यादा हल्के होते थे, वो ज़्यादा स्लो चलती थी, या खैर छोड़े, आते हैं एडिटिंग की तरफ। तो ये आपके सामने मैं एडिट करूँगा पिक को, ठीक है। माइट भी मैं एक अच्छा एडिटर ना हूँ, बट होप सो इंशाल्लाह अच्छी एडिटिंग हो जाएगी। कलर हमने कर लिए हैं सिलेक्ट, ठीक है। वाइब्रेंस इसकी ज़्यादा और कर देते हैं, नहीं इतनी बहुत है। सैचुरेशन बहुत है, 1 पे बहुत है, बल्कि सैचुरेशन को नहीं छेड़ते यार, 0 हो गई। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर, टेक्सचर देखे देखते हैं, टेक्सचर रखते हैं इतना। क्लैरिटी को हम कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा करना यार। विजिनेट इससे नहीं छेड़ते। उसके बाद आते हैं डिटेल्स के ऊपर, शार्पनिंग थोड़ी सी कर देते हैं, थोड़ा मास्किंग नॉइज़ रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। कलर नॉइज़ रिडक्शन कर देते हैं, ऑप्टिक्स में आके मूव क्रोमेटिक एबरेशन इसकी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें और प्रोफाइल्स भी होते हैं, लाइक डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, देखें इसे पिक चेंज हो जाएगी। आप कोई भी इनमें से अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा या इसके वो फिल्टर की पावर कर सकते हैं कम या ज़्यादा, जो प्रोफाइल है। अगर आपका दिल करे इन्हें यूज़ करने को तो नहीं यूज़ करता ना सी। अच्छा जी, तो पिक थी ये जो हो गई है, ये पिक थी ये जो हो गई है, ये ठीक हो गया। तो अब इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें प्रीसेट्स भी होते हैं, लेकिन वो हैं भाई प्रीमियम, अपग्रेडेड टू प्रीमियम वाले ना, वो बहुत अच्छे फिल्टर हैं अगर आप देखें। अच्छा, एक्सपोजर ज़्यादा करके देखता हूँ। ना 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 ना, यहाँ से आप अंडो वीडो इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो सही यार, अब हम कर लेते हैं इसे सेव। अच्छा सही है। ये होगी सेव। अब हम चलते हैं स्नैपसीड की तरफ। तो ये स्नैपसीड मैंने खोल लिया, ठीक है। तो वैसे तो यार DSLR से आई थिंक खींची हुई थी पिक, तो उसने फोकस तो माशाल्लाह अच्छा किया हुआ है पहले से ही, लाइक बैकग्राउंड सही तरह ब्लर है अगर देखा जाए। तो अगर आप इधर करना चाहें एडिटिंग और थोड़ी सी, तो कर सकते हैं। नहीं आगे भी रुक जा,
तो ब्लर करके देखते हैं। इतना बहुत है। 1 मिनट। चलो इनके चाहिए तो हुए ब्लड, अब ठीक है। और ये हम कर लेंगे सेव, माई पिक्चर हो गई है रेडी। ऑल्सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आप ना एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड में जाके ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं, ताकि आपका अगर ऐप से प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहे तो ये ऐप से लग जाएगी। माशाल्लाह एक अच्छी एडिटिंग हो गई है, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।